दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कड़ी सुरक्षा में ईवीएम मशीनें, सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में मतगणना की तैयारी के ऊपर। कांग्रेस ने लगाया भाजपा पर आरोप, कहा सत्ता का खौफ दिखाकर मार रहे हो। किसके से होगा सपा बनेगा का भाजपा और कांग्रेस के खेल में बड़ी संभावना। बड़े खिलाड़ी प्रोत्साहन की दरकार, जयपुर से पहुंचे खेल विशेषज्ञ। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद चुनाव के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीनों को सरस्वती गर्ल्स कॉलेज के सीलबंद कमरों में रखा गया है। वहां पर हथियारों से लैस पुलिस के जवान मशीनों की रखवाली कर रहे हैं। नगर परिषद चुनाव के तहत मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है। शनिवार रात को सभी 98 मतदान केंद्रों से ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच सरस्वती गर्ल्स कॉलेज लाया गया और उन्हें सीलबंद कमरों में रखा गया। हथियारों से लैस पुलिस के जवान 24 घंटे मुस्तैदी के साथ पहरा दे रहे थे। कॉलेज के अंदर कर्मिकों के अलावा किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। नगर परिषद के कर्मिकों ने रविवार को मतगणना की तैयारी को अंतिम रूप दिया। उन्होंने टेंट आदि लगवाए और आवश्यक सामग्रियों का बंदोबस्त किया। मतगणना कर्मिकों के मुख्य प्रशिक्षक मदनलाल पुरोहित के मुताबिक मतगणना के लिए 60-60 काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट नियुक्त किए गए हैं, जो मतगणना कार्य को अंतिम रूप देंगे। जो है वो 22 तारीख के इलेक्शन के बाद 25 नवंबर को सरस्वती महाविद्यालय में प्रातः 8 बजे प्रारंभ होने हैं और ऐसी स्थिति में वहाँ पर 4 कक्ष निर्धारित किए गए हैं जहाँ पर काउंटिंग की जाएगी। एक कक्ष में 15 टेबल हैं, एक में 13 और 2 कक्ष ऐसे हैं जिसके अंदर 9 टेबल रखी गई है। पुरोहित के मुताबिक 2-3 राउंड में मतगणना कार्य को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। इसके लिए कार्मिकों को पूर्णतः प्रशिक्षित कर दिया गया है। एक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग एजेंट होगा और उनको 2 या 3 राउंड में ही ये काम संपन्न कर दिया जाएगा, क्योंकि टोटल 98 बूथ है तो ऐसी स्थिति में 98 ही मशीनें कंट्रोल यूनिट जो है वो होगी। आज के प्रशिक्षण में उनको कांग्रेस ने भाजपा पर सत्ता का खौफ दिखाकर वोट मांगने का आरोप लगाया है। स्काई चैनल के कार्यक्रम खास पेशकश में कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनीष धारणिया ने कहा कि भाजपा ने सत्ता का बेजा फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की। खास बात है कि कार्यक्रम में मौजूद भाजपा के प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल ने धारणिया के आरोपों को सिरे से नकार दिया। कार्यक्रम का प्रसारण समाचारों के बाद होगा। मतदान संपन्न होने के बाद परिणाम आने का इंतजार है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी है सभापति के चुनाव को लेकर। आखिर किसके सिर पर होगा सभापति का ताज, यही बड़ा सवाल है। भाजपा में जहां आधा दर्जन दावेदार हैं, वहीं कांग्रेस देखो और इंतजार करो की नीति अपना रही है। आखिर कौन होगा हनुमानगढ़ का नगर पिता, बड़ा सवाल है यह। सबकी जुबान पर बस यही सवाल है कि आखिर सभापति कौन बनेगा। भाजपा में जल संसाधन मंत्री की पहली पसंद माने जाते हैं राजकुमार हिसारिया। बताया जा रहा है कि राजकुमार हिसारिया को सभापति बनाने के लिए डॉक्टर रामप्रताप ने पार्षद का चुनाव लड़वाया है। स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम जनता की अदालत में खुद राजकुमार हिसारिया ने कहा था कि चुनाव लड़ नहीं रहा हूं, बल्कि चुनाव लड़वाया गया है। आप कुछ सुनिए क्या कहा था राजकुमार हिसारिया ने। क्या आप सुनना चाहते हैं? चुनाव लड़ने का कोई कारण नहीं होता, चुनाव लड़वाया जाता है। पार्टी का आदेश था, वो मैं सिर माथे पे लेके चुनाव लड़ रहा हूँ। राजकुमार हिसारिया के इस जवाब के राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप आगामी 5 साल अपने हिसाब से बोर्ड चलाना चाहते हैं। उनके पास शहर के विकास को लेकर स्पष्ट विजन है, जिसकी क्रियान्विति वे अपने पसंदीदा चेयरमैन के माध्यम से चाहते हैं। यही वजह है कि व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले अपने मित्र राजकुमार हिसारिया को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। ऐसे में यह तय है कि डॉक्टर राम प्रताप चेयरमैन पद के लिए हिसारिया को प्राथमिकता देंगे। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौर भी सशक्त दावेदार हो सकते हैं। पूर्व का अनुभव और डॉक्टर राम प्रताप, देवी सिंह भाटी
और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के विश्वसनीय माने जाने वाले राठौड़ की खासियत है कि वे परस्पर विरोधियों के बीच भी संतुलन साधने में दक्ष माने जाते हैं। खासकर राजेंद्र सिंह राठौड़ और डॉक्टर राम प्रताप के बीच 36 का आंकड़ा होने के बावजूद अमर सिंह राठौड़ दोनों के खासम खास बने हुए हैं, यह उनकी विशेषता है। तीसरे दावेदार हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर। 1994 में तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री राम प्रताप के प्रयासों से ही तंवर भाजपा में आए थे और बदले में उन्हें अध्यक्ष पद मिला था। उसके बाद उनकी कार्यशैली से शहर में अच्छा संदेश गया था। जाहिर सी बात है कि तंवर चेयरमैनशिप के हिसाब से ही चुनाव मैदान में हैं। भाजपा में सभापति पद के लिए प्रेम बंसल का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। प्रेम बंसल बेहद अनुभवी हैं और साफ सुथरी छवि उनकी विशेषता है। इसके अलावा पवन गोलियान और राजेश कड़वासरा आदि का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल ने स्काई चैनल के कार्यक्रम खास पेशकश में दो टूक कहा कि भाजपा में सभापति को लेकर कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है, सर्वसम्मति से एक नाम का फैसला होगा। और मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में तो सब जगह जीत रहे हैं, हनुमानगढ़ में बड़े अच्छे बहुमत के साथ और यहां का बोर्ड हम बनाएंगे। पूरी तरह आश्वस्त है आप कि भाजपा का बोर्ड बनेगा? लेकिन कैलाश जी, कहा जाता है जैसे जिस तरह से जो रुझान आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लिए बोर्ड बनाना शायद बहुत ज्यादा कठिन हो, क्योंकि निर्दलियों की भूमिका को अहम माना जा रहा है, कि कितना सहमत है आप इस बात से? मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। पूर्ण बहुमत से हम जीत रहे हैं। मैं लगभग प्रत्येक वार्ड में गया हूँ और नीचे तक की बस्तियों में गया हूँ। बहुत अच्छे बहुमत से हम सरकार बनाएंगे नगर परिषद। वहीं कांग्रेसी बोर्ड बनने की स्थिति में घनश्याम भादू, मनोज सैनी और गणेश बंसल का नाम लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वह निर्दलीय गणेश बंसल पर राजनीतिक दाव खेल सकती है और गणेश बंसल को कांग्रेस में शामिल कर उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि पीसीसी सचिव मनीष धारणिया ने कहा कि कांग्रेस में यह परंपरा नहीं है कि पहले से सभापति का नाम तय करे, यह हक निर्वाचित पार्षदों का है, वही आम सहमति से यह फैसला करेंगे। खास बात है कि इस सवाल पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी का भी यही जवाब था। यह दीगर बात है कि दादरी ने भी पूर्ण बहुमत के आधार पर बोर्ड बनाने का दावा किया है। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस बहुमत से बोर्ड बनाएगी और कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके अंदर कोई दावेदार नहीं होता। पार्षद जीतने के बाद में बैठक होगी, उस बैठक में सर्वसम्मति से जो तय होगा वही सभापति का उम्मीदवार होता। हम पहले सभापति का उम्मीदवार कभी नहीं थोपते, ये पार्षद अपने बहुमत के आधार पे या सर्वसम्मति से पार्षद ही तय करेंगे उनका सभापति कौन होगा। कुछ भी हो, हनुमानगढ़ में इस दफा सभापति को लेकर भाजपा में सामंजस्य बना पाना आसान नहीं होगा। देखना यह है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस गुत्थी को किस तरह सुलझा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीट कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नजदीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। असमर्थ हो लेकिन बाकी क्षेत्र में वे दूसरों से पीछे भी नहीं है, बशर्ते कि उन्हें उचित प्रोत्साहन मिले। इसी थीम के साथ हनुमानगढ़ जिला बधिर खेल संगठन की रविवार को मीटिंग हुई जिसमें जयपुर से खेल प्रशिक्षकों ने भाग लिया।
हनुमानगढ़ जिला बधिर खेल संगठन की बैठक रविवार को हनुमानगढ़ जंक्शन में हुई। इसमें अध्यक्ष बलराज भनोत, महासचिव कमल गर्ग, प्रेम सोनी, हरीश सोनी, भवानी शंकर और सुरेंद्र कुमार आदि ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि बधिरों की अनेक समस्याएं हैं, वे सुनने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन इससे यह नहीं कि वे लाचार हैं। मशीन लगाकर वे सुन सकते हैं और सामान्य व्यक्ति की तरह बाकी काम कर सकते हैं, विशेषकर खेल के क्षेत्र में उनका मुकाबला नहीं। इसलिए इस मीटिंग में खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने पर चर्चा हुई। जी, इसमें ये है कि जो हनुमानगढ़ बधिर संघ है, बधिर खेल संघ जिला वो बना रहे हैं ये नया, उसके लिए ये जो राजस्थान स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष है जेन्स कैरेट, ये आए हुए यहाँ पे और इनको आगे जो जिला बधिर संघ खेल बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे और ये सहायता करने के लिए आए। ये संघ क्या क्या काम करेगा? ये संघ खेल, सिर्फ खेल को ही बढ़ावा देगा सिर्फ, और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं सभी जो भी हैं, और जो ये जैन सेक्रेटरी और अध्यक्ष साहब ये आए हैं जयपुर से। गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर में गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लड़ीवार चल रहे अखंड पाठों के भोग डाले गए और दीवान सजाए गए। गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शुक्रवार को नगर कीर्तन निकाला गया। आज गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर में लड़ीवार चल रहे अखंड पाठों की भोग डाले गए और दीवान सजाए गए। इस अवसर पर रागी डाडी जत्थों ने गुरु इतिहास का बखान किया। गुरुद्वारा में साध संगत की भीड़ रही। इस अवसर पर गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। तरीक तो लै के गुरु तेग बहादुर की लड़ी जो चल रही है और अज 23 तरीक तक अज गुरु साहब के भोग पाए गए हैं, समाप्ति हुए हैं, तो इन्हों करके संगतां की कमेटी की बहुत बहुत धन्यवाद सारे का किया जाता और ये समाप्ति अज हुई है। तो नगर कीर्तन भी संगतां ने कढ़िया, उच्च कोटि के जथे पाए जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जीवनी बारे संगतों को सुना के निहाल किया। उस तो बाद समूह संगत का बहुत ही बहुत धन्यवाद किया जाता है जिन्होंने इस नगर कीर्तन में अपना संगतों की सेवा करके पैसे दे के जो धन्यवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने। उस दे उपरांत अज एक विशाल कीर्तन जो हो रहा है उसके उच्च कोटि के जथियां ने अपना पूरा सहयोग दिता।
कर्मचारियों की भर्ती को लेकर विवाद की स्थिति है। अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस यूनियन के नेतृत्व में धरना चल रहा है। यूनियन सदस्यों का कहना है कि जब तक सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं की जाती धरना जारी रहेगा। नगरपालिका नोहर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में नगरपालिका कार्यालय के समक्ष धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर वाल्मीकि समाज के अनेक महिला पुरुष बैठे रहे। धरनार्थियों ने बताया कि नगरपालिका की ओर से लंबे समय से सफाई मजदूरों की भर्ती प्रक्रिया को अटकाया जा रहा है, जिस कारण वाल्मीकि समाज के लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि पालिका प्रशासन सफाई कर्मियों के पदों पर अन्य समाज के लोगों की भर्ती कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यूनियन के तहसील अध्यक्ष डालसन ने बताया कि नगर पालिका द्वारा जानबूझकर नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उधर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दलीप सिंह पूनिया ने बताया कि अभी भामाशाह शिविरों के कारण स्टाफ कार्यालय में नहीं बैठ पा रहा। दिसंबर माह में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। साड़ा हक साड़ा हक सफाई कर्मचारियों की भर्ती करो। साड़ा हक साड़ा हक अपने सफाई कर्मचारी नोर के अंदर काफी समय से भर्ती नहीं की गई है और वाल्मीकि समाज के साथ आदर भाव किया गया है और राजस्थान के सारी नगर पालिका में भर्ती की गई है और राजेंद्र चचान और बाबूलाल खाती चेयरमैन अपनी मनमर्जी कर वाल्मीकि समाज के साथ आप शासन देता है। बार बार अंदर ये कहता है कि आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे और वाल्मीकि समाज को गुमराह कर रखा है। अब कह रहे मेरे 15 तारीख को टाइम दिए और 15 दिन टाइम देगा फिर आगे फिर टाइम मांगने का, इनके साथ अन्याय कर रहा है और आंदोलन आज से 20 तारीख शुरू है और जब तक आंदोलन नहीं उठेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सफाई कर्मचारी भर्तियों का ये है कि इनके भर्ती के संबंध में जो विभागीय निर्देश है उनके तहत इनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जानी है और उसके लिए अभी 3 दिसंबर तक तो भामाशाह कैंप है तो वो सारा स्टाफ उसमें ड्यूटी पर है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो निर्देशानुसार करके दिसंबर माह में संभावित है कि हम इसको कर देंगे भर्ती को। समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।